हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये मैं पब्लिक डिमांड पे बना रहा हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमको बैकलॉग आई हुई है, मतलब हमको बैक लग गए हैं, मतलब एक तरीके से हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो हम उसको कैसे क्लियर करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार हम ट्राई करते हैं और बार बार ये बैक आ जाती है। तो सर आप कुछ सजेशन दीजिए, कुछ टिप्स हमको बताइए, तो जिससे कि हम अपने बैकलॉग जो है वो क्लियर कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो टिप्स ही दूंगा, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैकलॉग क्लियर करना है तो सीधा सा क्वेश्चन ही उठता है कि सर आप पहले तो सब क्वेश्चन ये है कि आपको तो पहले एग्ज़ाम पे अपीयर होना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लड़के जो होते हैं वो बैक होते हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूँ और मैं अगर किसी स्टूडेंट को फेल कर रहा हूँ तो मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं कि मैं उसको जानबूझ के बैक करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जब भी कॉपी चेक करते हैं हम लोग, तो हमको ये भी पता नहीं होता है कि जिस स्टूडेंट की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि रोल नंबर तक, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आगे जो आपकी आंसर बुक होती है उसमें आप उस केवल अपना रोल नंबर लिखते हैं, तो वो रोल नंबर जो होता है वो छुप जाता है। तो कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को जानबूझ के फेल नहीं करता है। फेल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो कॉपी के अंदर कुछ लिखता ही नहीं है। जी हाँ, कोरी कॉपी छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि डर इतना ज़्यादा हो जाता है। जब आप, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट से डिस्कशन किया है, तो वो उस सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा डरने लग जाते हैं कि वो उसको पढ़ते ही नहीं हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है। और जब वो एग्ज़ाम देने आते हैं या एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जैसे ही पेपर हाथ में आता है उससे पहले ही वो अपने आप को फेल मान चुके होते हैं और वो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। कई स्टूडेंट तो एक घंटा डेढ़ घंटा बैठ के ही घर पर चले जाते हैं, मतलब पूरे 3 घंटे भी वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं बैठते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टूडेंट को फेल पास कर दूँ, जी हाँ, इस स्टूडेंट को अगर मैं पास भी कर दूँ तो पास करने के लिए मुझे नंबर देने होंगे, तो नंबर देने के लिए क्या मैं कोरे कागज़ पे तो नंबर दे नहीं सकता हूँ, या आप चाहते हैं कि मैं खुद बैठ के लिखूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको नंबर देने की कुछ गुंजाइश तो मेरे लिए छोड़नी होगी, आपको कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कीजिए बट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, चाहे आप उस क्वेश्चन का केवल बेसिक लिख दीजिए तो भी, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है जिसकी वजह से बच्चे बैक होते हैं वो यही होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कोरे कागज़ छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, समय से पहले घर चले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब भी आप पेपर देने जाएं, आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन पेपर पढ़ें, जो क्वेश्चन आपको आता है सिस्टमेटिक आता है, सही आता है, जितना भी आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करें और पूरे टाइम को यूटिलाइज करें, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर सकें। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। दूसरा सजेशन मेरा ये होगा कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है कि कई स्टूडेंट जिनका बैकलॉग लगता है उनके, मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके जो सेशनल में जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और जो उनको असाइनमेंट में नंबर दिए जाते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। तो कई बार जो लड़के होते हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बट सेशनल के मार्क्स और असाइनमेंट की मार्क्स की वजह से उनके नंबर जो होते हैं वो पासिंग मार्क तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर आपको बैकलॉग लग गई है तो आप कोशिश करें कि आप अपने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जाइए, उनसे एक बार इंसिस कीजिए कि सर मेरे सेशनल में मार्क्स बता दीजिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपके सेशनल में मार्क्स काफ़ी कम हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको बोलिए कि सर आप मेरे रीसेशनल अरेंज करवा दीजिए, आप रीसेशनल दे के अपने नंबर वहाँ पर बढ़वा लीजिए, और चाहें तो आप अपना एक बार और अच्छे से असाइनमेंट को लिख के आप सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपके असाइनमेंट में नंबर बढ़ जाए। तो अगर आपके सेशनल में मार्क्स और असाइनमेंट में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आपके पेपर को क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और देखिए, सेशनल और असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं वो आपके कॉलेज में आपके फैकल्टी के हाथ में ही होते हैं, तो वो चाहें तो आपके रीसेशनल को ऑर्गेनाइज करवा के और आपसे एक और बार सही तरीके से असाइनमेंट लेके, हो सकता है आपने असाइनमेंट अभी तक सबमिट ना किया हो जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट में नंबर काट दिए गए हों, तो आपको अपना फिर से एक असाइनमेंट सबमिट कर देना है सही तरीके से और रीसेशनल दे के अपने नंबर वहाँ पर बढ़वा लेने हैं। तो ये इस तरीके से भी आप अपना पेपर बहुत ही ईजी वे में क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन, जब भी आपका पेपर हो, आपको पता है कि मेरा भी ये एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें मेरा बैक लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर जो पुराने 5 साल के, कम से कम पुराने 5 साल के जो पेपर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनको निकालिए और उसमें जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप उसमें ये भी देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स की आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर पिछले 5 साल से उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आपको उन टॉपिक्स को
करना ही करना है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इससे रिलेटेड पहले से ही मेरे दो वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। एक मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर बनाया है और एक मैंने फार्माकोग्नोसी के ऊपर बनाया है। तो उन वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे किसी टॉपिक की और किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे मैंने बनाया है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट वो होंगे जिनके मेडिसिनल केमिस्ट्री, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो बैक लगते हैं फार्मेसी के अंदर वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर ही लगते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझ जाएंगे कि हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। उसके अलावा एक और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो हमेशा बैक पेपर क्लियर करने में काफ़ी काम आई है, और ये मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा एज ए टीचर उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर किसी भी पेपर को, बैक पेपर को आप बहुत इजी वे में क्लियर हो कर लेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कल मेरा पेपर है जिसमें मुझे बैक लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले सिलेबस उठाता हूँ और उन टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ जो मेरे को समझ में आए हैं, जो मुझे सिंपल लगते हैं, तो पहले मैं वो पढ़ लूँगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स बच जाएंगे जो मुझे काफ़ी टफ लगते हैं और हो सकता है कि उन टॉपिक्स की वजह से मुझे बैक लगी हुई हो, तो मैं क्या करूँगा कि अपने जो मेरे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ने में हो, टॉपर हो, जिससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो, मैं उसको कॉल करूंगा और उसको बताऊंगा कि भैया भाई यार बस आधा घंटा मुझे दे दे, आधे घंटे में बस मैं लूँगा और मुझे बस थोड़ा सा पढ़ा दे। आपको स्टूडेंट के पास जाना है, मतलब अपने फ्रेंड के पास जाना है, और आपको उन टॉपिक्स के बारे में उससे सजेस्ट करना है कि मुझे ये वाले टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इनको थोड़ा इजी लैंग्वेज में केवल मुझे इनका बेसिक बता दे कि अगर इन टॉपिक्स रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत ही ईजी वे में इसका आंसर दे पाऊँ। आपका जो फ्रेंड होगा वो अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आएगी उस लैंग्वेज में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपके उस टॉपिक के केवल बेसिक आपको समझ लेना है। जी हाँ, आप उसके केवल बेसिक समझ लीजिए और उससे आप ये भी डिस्कस कीजिए कि मैं कैसे इसमें लिखूंगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है, कौन कौन सा डायग्राम मैं इसमें बना सकता हूँ, उससे रिलेटेड ये जानकारी ले लीजिए। तो जो काम आपका 6 घंटे 7 घंटे में होगा, या हो सकता है कि आप डर के वो टॉपिक छोड़ दो, वो मिनिमम 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर वो टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत ही ईजी वे में, और वहाँ पर आपको क्लियर भी हो जाएगा, और हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट भी कर लो। और ये चीज़ मैंने देखी है काफ़ी स्टूडेंट के अंदर ये काम आती है, खासकर वो स्टूडेंट, मतलब मैंने ये भी देखा है कि ये जो ट्रिक है ये कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी काम आई है जिनके 5-5 बैग लगे हुए थे और उन्होंने एक साथ 5 के 5 बैग क्लियर करे इस ट्रिक को फॉलो करके। तो ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो आपका जो बैग होगा ना बहुत ही ईजी और सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यही ट्रिक अपनानी है। देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे टॉपिक्स अपने फ्रेंड से पूछिए और बोलिए कि ये सब के सब मुझे समझा, उससे वो इरिटेट हो जाएगा और वो ऐसा समझाएगा कि आपके भी ऊपर से निकल जाएगा। तो केवल आपको उन टॉपिक्स को ही उसके पास लेके जाना है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको सिंपल लग रहे हैं, पहले आप वो पढ़ लो, और जो टफ सब्जेक्ट हैं 1, 2 या 3 टॉपिक होंगे केवल आप उनको लेके जाओ, या आप क्वेश्चंस लेके जा सकते हो सीधे के सीधे कि यार ये क्वेश्चंस जो हैं वो बता दे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझा दे, तो वो इस तरीके से भी वो आपको समझा देगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेपर देते समय आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे पूरा 3 घंटा बैठना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, और पूरे के पूरे टाइम का यूज़ कीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, और जो नहीं आता है उसके बारे में सोचिए, जितना आता है उतना लिखिए। अगर कोई डायग्राम याद आ गया है तो वो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो बंदा कॉपी चेक करेगा उसके दिमाग में भी ये चीज़ हमेशा चलती है कि यार ये लड़का बैक हो गया है, इसका साल बर्बाद हो जाएगा, तो मैं कैसे भी करके इसको पास कर देता हूँ। वो कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा आपको, और वो भी कोशिश करेगा कि आप क्लियर कर जाएँ, और ये तभी होगा जब आप उसके लिए गुंजाइश छोड़ेंगे, कॉपी के अंदर कुछ लिखेंगे, पेज को भर के आएंगे, तभी जाके वो उसके ऊपर नंबर दे पाएगा। साथ ही साथ आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स को प्रिपेयर रखना है, बुक्स हमेशा अरेंज करके रखना है, ऐसा ना हो कि कल पेपर है और आपके पास ना बुक्स है ना नोट्स है। तो अगर आपका कोई दोस्त है तो बुक्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए, लाइब्रेरी जाके कोई बुक इशू करवा लीजिए। यहाँ पर मेरा सजेशन होगा कि आप किसी बड़ी बुक को फॉलो ना करें, छोटी बुक्स पढ़ें, चाहे तो आप जो डिप्लोमा लेवल की जो बुक्स होती हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल की बुक काफ़ी सिंपल होती है, उसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई होती है, इंडियन राइटर्स होते हैं तो वो लैंग्वेज आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगी। और डिप्लोमा लेवल की बुक्स जो होती है ना उसके अंदर डीपली बिल्कुल भी नहीं दिया होता है, बिल्कुल सुपरफिशली दिया होता है, और वो जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो आप वो बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं।
एक और मेरा सजेशन होगा कि जिस दिन आप पेपर की प्रिपरेशन करें उस दिन आप अपने मोबाइल से दूर रहें, अपने आप को दुनिया से काट लें और घर पे सबको बता दें कि कल मेरा पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है और उसके लिए जी जान से लग जाएं। साथ ही साथ अगर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है तो YouTube फॉलो कर सकते हैं। YouTube के अंदर भी सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, तो आप YouTube भी फॉलो कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। पेपर देते समय हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जैसे ही पेपर स्टार्ट हो, अगर क्वेश्चन पेपर एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है और जो आ रहा है वो लिखते चाहिए। पूरे 3 घंटे यूटिलाइज़ कीजिए तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसा मैटर उसके अंदर लिख के आ ही जाएंगे जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर कोई गाना लिख दो, पिक्चर की स्टोरी लिख दो, नहीं, जितना उस टॉपिक के बारे में आपको पता है वो लिख दीजिए। कोई डायग्राम याद आ रहा है तो अपने हिसाब से डायग्राम बना दीजिए, फ्लो चार्ट के वे में समझा दीजिए, बट आप कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर छोड़िए चेक करने वाले के लिए कि वो आपको नंबर दे सके और पास कर सके। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।